नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम सबका बजट में आप सभी का स्वागत है। देश में बजट पर सबसे बड़ी कवरेज लेकर एक बार हम फिर से हाजिर हैं। रेल बजट के बाद और आम बजट से ठीक पहले संसद में रखा जाने वाला एक आर्थिक दस्तावेज देश की आर्थिक दशा का असली दस्तावेज होता है, जिसे कि वित्त मंत्रालय ने तैयार किया है, जिसे हम कहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। आज पेश हुआ है यह आर्थिक सर्वेक्षण और आज चर्चा साल 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण पर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साल 2015-16 का आर्थिक सर्वेक्षण आज लोकसभा में पेश कर दिया। आर्थिक समीक्षा आम बजट के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उस सर्वे में तमाम सुधारों का जिक्र होता है जिन पर अगर फैसले लिए जाएं तो यह कहा गया है सर्वे में कि आने वाले वक्त में 8-10% की विकास दर हासिल की जा सकती है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर अरविंद बिरमानी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अर्थशास्त्री रह चुके हैं और खुद आर्थिक सर्वेक्षण लिख भी चुके हैं, पूर्व आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार में। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए आज के क्रूशियल दिन सिर्फ और सिर्फ डीडी न्यूज पर। आइए निगाह डालते हैं इस साल के जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसकी बड़ी बातें हैं क्या, और आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति है क्या। Let's all be honest and candid. There have been some disappointments, and there's still things that have, there is a kind of unfinished agenda even carried over from last year. And to give you four examples, I think the GST is one. Strategic disinvestments are another. The twin balance sheet and subsidy rationalization are still a work in progress. And so I think this is part of what I think some would argue needs to be pushed more rapidly. So accelerated reforms at the center, competitive federalism at the states, and good economics becoming good politics all over the country. If you combine these three, I think there is still the real promise that India will, has a very bright future, a future that can help realize its potential GDP growth, which we show in the surveys about 8-10%. So if there's one line I would like to conclude with this, I would like to say that, an overall assessment would be something like this. For now, but not indefinitely, the sweet spot created by a strong political mandate, but recalibrated to account for a grimmer external environment, that sweet spot is still beckoningly there for India. तो भारत तमाम आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं में अब भी स्वेट स्पॉट है, यानी एक पसंदीदा जगह अब भी बना हुआ है, क्योंकि एक अच्छा माहौल है भारत की अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए, लेकिन इसका फायदा उठाना होगा। आइए देखते हैं बड़ी बातें क्या कही हैं आर्थिक सर्वेक्षण ने इस साल के लिए। इस साल 7-7.6% के विकास दर का अनुमान इस साल ने जताया गया है। अगले साल की बात करें तो 7-8% के बीच आर्थिक विकास रह सकती है। महंगाई दर काफी अच्छी स्थिति में है। अगर बात करें तो केवल 5% का जो कंफर्टेबल लेवल है उससे नीचे रहने की उम्मीद, ये अच्छी खबर WPI CPI दोनों महंगाई लेवल के आंकड़े पर। जो घाटे की प्रवृत्तियां पहले जो मुश्किलें थी वित्तीय घाटे की और राजस्व घाटे की, वो अब काबू में नजर आ रहा है, और सर्वे मानता है कि साल के लिए जो लक्ष्य रखा गया है 3.9% की GDP का, वो पूरा हो सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण में व्यापार घाटे पर चिंता जताई गई है। व्यापार घाटा थोड़ा सा बेहतर जरूर हुआ है बीते साल के मुकाबले, लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो अब भी चिंता का विषय है। भारत का विदेशी व्यापार इस वक्त इस स्लाइड में दिखाता हुआ कि करीब करीब 18% की गिरावट निर्यात में देखी गई है एक्सपोर्ट्स में, और करीब करीब 15.5% की इंपोर्ट में। तो ये एक चिंता जरूर है इस पूरे साल के लिए। विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त हुई है और ये करीब करीब $350 अरब के स्तर पर है, एक अच्छी स्थिति दिखाती हुई अर्थव्यवस्था की। इस बार जो चीज हमें बचाती है वो है सर्विस सेक्टर, जिसमें थोड़ी सी कमी जरूर देखी गई, लेकिन 9.2% का अगर ग्रोथ देखा गया सर्विस सेक्टर में, और थोड़ी सी जो तेजी देखी गई मैन्युफैक्चरिंग में, उसने ऑफसेट किया जो 2 सालों से लगातार कृषि अर्थव्यवस्था पर जो दबाव था, यानी जो खेती बाड़ी केवल 2% की दर से बढ़ रही थी, उसको ऑफसेट किया है सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में। और अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं
अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से इस कार्यक्रम में आने के लिए। आपने खुद आर्थिक सर्वेक्षण लिखा है और आज का ये जो सर्वे आपने देखा, आप किस तरह से इसको रीड करते हैं, कैसा सर्वेक्षण है ये? देखिए, पिछली इकोनॉमिक सर्वे जो थी जी, उसमें जो ग्लोबल वर्ल्ड के पॉजिटिव फैक्टर्स थे वो थोड़ा ज़्यादा एम्फसाइज किया था, वो अच्छे थे, जैसे ऑयल प्राइस खास करके, क्योंकि इतनी ज़्यादा गिरे थे तो उसको ओवर एम्फसाइज किया था, उसका बेनिफिट भी थोड़ा सा ओवर एम्फसाइज किया था, क्योंकि जो फैक्टर्स तेल को के दाम को कम कर रहे हैं वो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी वर्ल्ड में कर रहे थे जी। तो इस सर्वे में इन अ सेंस उसको बैलेंस आउट कर दिया है कि रिकॉग्नाइज किया है कि जो देश विदेश में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो हमें भी अफेक्ट कर रही हैं। तो दैट इज मेरी तरफ से, मेरे देखने से ये सबसे महत्वपूर्ण था कि अब वो बैलेंस रिस्टोर हो गया है, क्योंकि पहली सर्वे में थोड़ी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई थी, तो इट्स नॉट गुड यू नो इफ एक्सपेक्टेशंस आर टू मच लाइन आउट ऑफ लाइन विद रियलिटी। तो दूसरी चीज ये है कि इसी के कारण थोड़ा सा मेरे ध्यान में ओवर कॉम्पेंसेट कर दिया है। अच्छा, फॉर एग्जांपल पिछली मिड ईयर रिव्यू में कहा था कि करंट ईयर में जो 15-16 है जी जी, वर्ष में ग्रोथ रेट होगा 7 से 7.5 सात के बीच में जी। तो अब अगले साल के लिए भी कह रहे हैं कि 7 से 7.5 के बीच में होगा जी। तो थोड़ा मेरे ख्याल से ज्यादा कंजर्वेटिव हो गए हैं। तो आपको लगता है और ज्यादा ग्रोथ रेट होगी? पॉसिबल हो सकता है, जो रेंज मैं कहूंगा वो 7.5 से 8 तक हो सकता है। वाह, चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि 7.5, लेकिन आप ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं और आपके हिसाब से 8% जिसकी बात उन्होंने कही कि पोटेंशियल है 8 से 10% ग्रो करने की। मैं रेंज की बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जो सिफारिशें की हैं, बड़ी सिफारिशें, और क्या वो बजट में रिफ्लेक्ट होंगी, उस पर चर्चा करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए खास कार्यक्रम सबका बजट। An exclusive and easy finance option for e-commerce sellers. Introducing SBI Smart SME e-commerce loan. A collateral-free, fast online loan. For more details, log on to www.sbi.co.in. आज का थोड़ा कुछ कल का बहुत कुछ बन सकता है, इसीलिए LIC का जीवन शिखर वन टाइम प्रीमियम इक्वल्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अरे भैया, कितनी सख्त जमीन है, जुताई करें तो कैसे करें? भैया कितने ट्रैक्टर आजमाए, सब बेकार। अब तो राजा को बुलाना ही होगा। राजा की ताकत और उसकी शान हर काम बनाए आसान। जब रास्ते कठिन होते हैं तो भरोसा इसी पर होता है। जब विकास की राह पर तेजी से चलना होता है, साथ यही देता है। जब सवाल जिंदगी की अहम बातों का होता है तो जवाब सिर्फ एक ही होता है। जब सब डाल दे हथियार तो राजा ही कर दे बेड़ा पार। कोई कुछ भी कह ले, राजा आखिर एक ही होता है। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई, ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। आज का थोड़ा कुछ
कल का बहुत कुछ बन सकता है, इसीलिए LIC का जीवन शिखर वन टाइम प्रीमियम इक्वल्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। BHK उसके मन में चार मेरे बंगले से दिखे सीधा समंदर पार 40वीं मंजिल पर चमके अपना घर होता है हर किसी का सपना और इस सपने को पूरा करे SBI होम लोन्स। स्वागत है, आप देख रहे हैं सबका बजट और अब बड़ी सिफारिशें बड़ी बातें हैं जो इस आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार के लिए वित्त मंत्रालय के लिए खास तौर पर उभर करके सामने आए। आइए देखते हैं, टैक्स आधार बढ़ाने की जरूरत है, सभी पर टैक्स लगे चाहे आमदनी का स्रोत कुछ भी हो, बड़ा रिफॉर्म लेकिन क्या ऐसा वित्त मंत्री कर पाएंगे। दूसरी बात, लेबर रिफॉर्म और पावर क्षेत्र में जो रिफॉर्म्स हैं राज्यों के साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है, हालांकि इसमें थोड़ी सी बात आगे बनी है। मौजूदा परिस्थितियों में ब्याज दरों में कमी की गुंजाइश है क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ाई जाए, ये एक बड़ा संकेत RBI के लिए कि आप इंटरेस्ट रेट कम कीजिए क्योंकि इस वक्त उसकी जरूरत है। बैंकों के NPA पर ध्यान दिया जाए क्योंकि RBI जो सहयोग कर सकता है बैंक के कैपिटलाइजेशन में, ये कैसे करेगा अपने एक्सपर्ट से कैसे किया जाएगा, हमारे एक्सपर्ट्स बता सकते हैं इस पे कि क्या कुछ वित्त मंत्री कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अर्थव्यवस्था में एजुकेशन पर, हेल्थ पर और एग्रीकल्चर में बड़े स्तर पर निवेश करने की जरूरत है क्योंकि ये जो सुविधाएं हैं वो सभी तक पहुंचती हैं। किसानों को बाजार मुहैया कराया जाए, किसानों की जो कॉस्ट है उसको कम किया जाए और उनकी जो आमदनी है उसको बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि अभी भी सर्वे मानता है कि 42% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सरकार उन सुविधाओं पर खर्च करे जो सभी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बुनियादी ढांचा, लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था और पर्यावरण, यानी इस पर निवेश करना चाहिए। सर्वे मानता है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाना चाहिए, एक नई सिफारिश, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जाए और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी पर फोकस किया जाए। GST डाइवेस्टमेंट यानी विनिवेश, लेबर और पावर रिफॉर्म पर राज्यों के साथ मिलकर के काम करने की जरूरत। जनधन आधार मोबाइल जो अभी तक सफल रहा है उसको सीधे तौर पर खाद सब्सिडी से जोड़ा जाए, यानी फर्टिलाइजर सब्सिडी सीधे किसानों तक पहुंचाई जाए और मनरेगा के भुगतान का इस्तेमाल किया जाए, जो इसके लिए जो काम करते हैं मनरेगा में उनका जो पैसा है सीधे उन तक पहुंचाया जाए। डॉक्टर वर्मानी, आपको लगता है कि जो सिफारिशें की गई हैं अच्छी दिशा में है, रिफॉर्म की दिशा में, और कहां मतलब कितना कर पाएगी सरकार अगर कोशिश भी करे तो इनमें से? तो देखिए, जो इकोनॉमिक सर्वे होती है, जो CA को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इन चीज़ों पे एनालाइज करने, रिकमेंडेशन करने के लिए, तो वो बेसिकली डायरेक्शन बताता है जी। क्योंकि मेरी भी लास्ट सर्वे में मुझे पूरी छूट दी थी कि जो लिखना है, तो मैंने एक्चुअली 7 बॉक्सेस बनाए थे रिकमेंडेशन जी, जी। तो ये सब अच्छी रिकमेंडेशंस हैं, तो हम एक बार मतलब एक एक करके चलते करना चाहें तो जैसे जैसे टैक्स बेस बढ़ाने की बात चली, पहली बात ये है कि टैक्स बेस बढ़ाया जाए और बोला है इन्होंने सभी को टैक्स कीजिए, उनकी आमदनी चाहे किसी भी सोर्सेस से आती हो, कर पाएंगे ऐसा? हाँ, तो हम जब सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स की बात करते हैं तो दैट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल के जो ज्यादा एग्जेम्पशंस हैं ये हैं वो जो बहुत नॉलेजेबल होते हैं, जो रिच होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं। हम सिंपल लोग, इवन हमें इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है पर हम इतनी डिटेल में अपना फाइल नहीं करते, तो उसका फ़ायदा लोगों को उन्हीं लोगों को होता है जो टैक्स लॉयर्स हायर करते हैं वगैरह। इसलिए ये रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इंप्लीमेंट की जा सकती है कि सिंप्लीफाई कर दो एक्सपेंडिचर, वो एग्जेम्पशन वगैरह को निकाल दो। एक चीज़ बहुत बड़ी सर्वे ने ये कही है, उसके साथ ही
थोड़ा सा रेट को कम कर दो जो सबको बेनिफिट करता है और वॉलेंटरी कंप्लायंस बढ़ती है। सर, और सर्वे ये भी कहता है कि आप जो रियायतें देते हैं कॉर्पोरेट्स को 1,00,000 करोड़ रुपए की, वो केवल 6 कमोडिटीज में मिलती है, और जो रियायतें मिलती हैं उसका फायदा सुपर रिच लोगों को होता है, मिडिल क्लास को भी नहीं होता और जो रिच है उनको भी नहीं होता, जो बॉटम ऑफ पिरामिड में, उनकी तो बात छोड़ दीजिए। तो उसमें दो चीजें, एक तो हम जो टैक्स की बात कर रहे थे, पर जो कैलकुलेशन जहां तक मैंने देखी है, वो जो डायरेक्ट सब्सिडीज जा रही है ना, उसका पोर्शन जो रिच को कहां जा रहा है। हाँ जी, तो फर्टिलाइजर सब्सिडी तो ऑफ कोर्स जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी जाती है, पर बाकी उन्होंने दिखाया है, ये अच्छी तरीके से दिखाया है, इवन दो हम कई सालों से इसकी बात कर रहे हैं, बट आई थिंक दिस इज अ गुड वे टू पुट इट कि आप समझते नहीं है कि ये जो सब्सिडीज हैं वो इतनी बड़े लोगों को जा रही हैं, उसको तो हमें हटाने दो ताकि जो जिनके पास जानी चाहिए उनके पास जाए और जो पैसा बचेगा उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हम डेवलप कर सकेंगे। सर, एक और बड़ी बात जो इस सर्वे में कही गई है वो ये कि एक तरह के चक्रव्यूह में भारतीय अर्थव्यवस्था फंसी हुई है। चक्रव्यूह शब्द का इस्तेमाल किया है इस सर्वे ने, और ये कहता है कि पहले हम सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था थे जिसमें एंट्री बहुत मुश्किल थी, अब हम मार्केट ओरिएंटेड हो गए हैं जहां से एग्जिट करना बहुत मुश्किल है। इस चक्रव्यूह से कैसे निकलेंगे और कैसे देखते हैं सिफारिश को? अगेन मैं जब यू नो इट इज ऑलवेज हम देखते हैं, क्योंकि कोई 2-3 सर्वे बनाए तो वो हर वक्त देखता होता है कि किसको किस तरह एम्फसाइज करें, नहीं पर किस तरह कन्वे करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज इकोनॉमिक्स सर्वे में ये खाली नहीं है कि क्या रिकमेंडेशन दो, क्या तरीका जिनको देना है वो समझें, जो पॉलिटिशियन है, जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनको समझाने के लिए। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी नाइस वे टू पुट इट कि जो हम एग्जिट वगैरह की बात करते हैं ये बड़ी अच्छी तरह तरीके से समझाई गई है कि ये हमारे को होल्ड बैक करता है। सब समझते हैं कि ये लेबर को सेव करता है, नहीं, एक्चुअली ये होता है कि जिनके पास जॉब्स हैं उनको सेव करता है, पर बाकी लोगों के लिए जॉब जनरेट कम होते हैं, तो ओवरऑल लेबर को नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो जी। सर, अगला पॉइंट जो अभी हम दिखा रहे थे अपने ग्राफिक्स में, उन्होंने ये कहा कि आपको उन चीजों पर खर्च करना चाहिए, और यहाँ पे बजट आ जाता है क्योंकि बजट आपके खर्च और आमदनी दोनों का ब्यौरा देता है। आप उन जगह खर्च कीजिए जिसका इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, जैसे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर या लॉ एंड ऑर्डर या पर्यावरण में पॉल्यूशन कम करना है, ऐसी चीजों पे आप खर्च कीजिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भाई आप शिक्षा पे कीजिए, स्वास्थ्य पे कीजिए और एग्रीकल्चर पे कीजिए। हाँ, तो इस दो पॉइंट को इकट्ठा ले लें, जो एक गवर्नेंस और करप्शन की भी बात की गई है और जो पब्लिक गुड्स जिसको हम कहते हैं जिसका सबको बेनिफिट होता है, तो ये दो चीजें अंडर एम्फसाइज की हैं काफी, मतलब 50 साल मेरे ख्याल से। अच्छा, पर उतना ज्यादा असर, मतलब लोगों ने पिछले फर्स्ट 50 इयर्स ऑफ इन पर ध्यान नहीं दिया गया, आप कह रहे हैं इन पे, इन दो चीजों और लॉ एंड ऑर्डर की भी बात की है, ये 3-4 चीजें जो अंडर एम्फसाइज की थी। मुझे अभी भी याद है जब मैंने पहले प्लानिंग कमीशन ज्वाइन की थी 20-30 साल, तो इन चीजों को मैंने चर्चा की थी और जो मेरे बॉसेस थे वो इतने नाराज हो गए थे कि ये चीजें प्लानिंग में नहीं होती, यहाँ पे मत कीजिए। तो दिस इज वेरी गुड, सो आई एम वेरी हैप्पी कि इन चीजों की बात की गई है इकोनॉमिक सर्वे में। चलिए और कुछ पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा है सर्वे ने। सर्वे ये बहुत अच्छे से मानता है कि सर्विस सेक्टर में बढ़ोतरी हुई है इस साल, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन एग्रीकल्चर एक पेन पॉइंट है, एक प्रेशर पॉइंट है। सर, जब ये सर्वे कहता है और खासतौर पर ये कहता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, कॉस्ट घटानी होगी, साथ ही साथ एग्री जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसमें बड़े रिफॉर्म की बात करता है, क्या बजट में उसकी कुछ झलक देखने को मिल सकती है? देखिए, 3 इंपॉर्टेंट सब्सिडीज हैं, केरोसिन, फूड और फर्टिलाइजर। हमें उम्मीद है कि इन तीनों में से एटलीस्ट एक चीज पे करें। अब मैं ये नहीं कह सकता फर्टिलाइजर पे करेंगे, फूड पे या केरोसिन पे, पर आई एम होपफुल, मुझे है उम्मीद कि एटलीस्ट 1 out of these 3 सब्सिडीज हो सकती है फर्टिलाइजर पे करें, बट मोस्ट लाइकली केरोसिन जिसकी शुरुआत हो भी चुकी है उस पे करें, क्योंकि एलपीजी का एक्सपीरियंस है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो क्लोजिंग कमेंट्स और क्या कुछ बड़ी बातें और निकली हैं इस सर्वे से जानेंगे अपने एक्सपर्ट के पास। कहीं मत जाइए, देखते रहिए खास कार्यक्रम सबका बजट। डैड, अगले हफ्ते मैं कितने साल की हो रही हूँ? 18। तो पिछले साल की तरह कोई टेडी बियर या रोबोट मत लाना। देखना कहीं ये टेडी बियर तो नहीं है, देखो जरा। वाओ, सो नाउ वी हैव लास्ट 2 मिनट्स। थैंक यू डैड।
जी सर। एक पेंडेंट काफी होता? बेटी बड़ी हो गई है, उसके फ्यूचर के लिए छोटा छोटा नहीं, बड़ा इन्वेस्टमेंट। उसकी खुशी है हमारी तैयारी। LIC के सिंगल प्रीमियम प्लान्स, बार बार प्रीमियम नहीं, सिर्फ एक प्रीमियम का इन्वेस्टमेंट और जिंदगी भर की निश्चिंता। Introducing SBI FlexiPay Home Loan. Home loan EMIs to match your income today and tomorrow. Why wait till tomorrow when you can buy a dream home today? सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाई है बजाज सिटी 100, खुशियों का जैकपॉट। बड़ो 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 मेरे साथ, बड़ो 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 मेरे साथ, बड़ो 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 बड़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बड़ो 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 मेरे संग। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। स्वागत है आपका एक बार फिर से। बहुत इंटरेस्टिंग बातें कही है सर्वे ने। अरविंद साहब, एक चीज ये कही कि जब पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की एक जैसी कीमतें हैं तो आप पावर की 100 कीमतें क्यों हैं? मतलब पावर रिफॉर्म और लेबर रिफॉर्म, इस पे बड़ा अच्छा फोकस दिखा इस बार। हाँ, तो हाँ, ये इंटरेस्टिंग बात है डेफिनेटली, क्योंकि हम कई बार, हमने भी पहले इसको देखा हुआ है, पर हम कई बार सोचते थे कि ये बड़ी छोटी चीज़ है, बट आई थिंक इकोनॉमिक्स सर्वे मेक्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी एड अप करो तो इसका बड़ा इफेक्ट हो सकता है। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जो और जो उन्होंने कंक्लूजन में कहा। हाँ, कि आप सेंटर के लेवल पे कुछ चीज़ें कीजिए। हाँ, और स्टेट में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म की जो बात करें आप आगे बढ़ाइए, तो शायद जो स्वेट स्पॉट है उसका सबसे बेहतरीन फायदा उठा सकते हैं। हाँ, तो एक इसका प्रॉमिस अभी पूरा नहीं हुआ है, खास करके ये दो चीज़ें जो लेबर रिफॉर्म और एग्रीकल्चर, इसकी पॉलिसीज दोनों सेंटर और स्टेट्स में बनती है। मेरा ख्याल है थोड़ा नीति आयोग शायद प्रिपरेशन कर रहा होगा, पर यहाँ पे आई वुड विश के नीति आयोग थोड़ा मोर एक्टिव रोल इन दोनों चीजों में निभाए। तो सर, अगर हम, क्योंकि आपने खुद आर्थिक सर्वेक्षण बनाया है, क्या इसका थोड़ा सा इम्प्रेशन जो दो दिन बाद बजट आ रहा है सोमवार को, उस पर कुछ दिखाई पड़ता है? देखिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है, तो उसको जनरली वी ट्राई, मतलब एज इकोनॉमिक एडवाइजर आई वुड ट्राई टू नॉट से एनीथिंग जो कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, पर ये बात ठीक है कि आप जैसे हमने 3 सब्सिडीज की बात की या कुछ, तो जनरल आर्ग्यूमेंट्स प्रोज कॉन्स वगैरह दिखाना, ये इसका पर्पस होता है। तो सर, अगर क्लोजिंग कमेंट्स के जरिए आप 30 सेकंड में समेट पाएं। हाँ, इस चीजों तो बेसिकली मैं कहूंगा कि एक्चुअली जो मैंने देखा है ये पिछली 2 सर्वे में बड़ा अच्छा है। ही हैज ब्रॉट इन इंटरनेशनल कंपैरिजन, ये कई ग्राफ्स जो कंपेयर करते हैं वो जनता को, लोगों को कन्वे इंप्रेशन करता है, उसके पीछे जो एनालिसिस है उसको सिंप्लीफाई करके लोगों को प्रेजेंट किया। आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड थिंग। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरविंद विरमानी, आपसे अच्छा मेहमान हो नहीं सकता था आज के दिन, क्योंकि आपने खुद 2008-09 में जिस वक्त बहुत मुश्किल थी उस वक्त सर्वेक्षण बनाया था और आज इस सर्वेक्षण पर आपकी राय देश को जानने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो आज के सबका बजट में सिर्फ इतना ही, कल 7 से 8 मत देखना भूलिएगा, क्योंकि सबका बजट हम मुंबई से लेकर के आएंगे, खासतौर पर वहाँ के लोगों की उम्मीदें। आप देखते रहिए DD न्यूज़ को, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी बजट टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार। सबका बजट के प्रस्तुतकर्ता थे भारतीय स्टेट बैंक, हर भारतीय का बैंक, सह प्रायोजक LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।